और अस्सलाम वालेकुम। तो जी मूवी ने हमारे एंड इसके साथ साथ एकदम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार काफ़ी टाइम हो गए थे, क्रिकेट वगैरह नहीं खेला था। मैंने सोचा था एक व्लॉग बन जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा, तो लेट्स सी, निकलते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो भाई मैच का सीन बन चुका है, बकाया हमने आपस में लगाया, ग्राउंड पूरा का पूरा खाली लगा हुआ है। हमने सिर्फ आपस में ही सीन बनाया, मैच का फुल सीन है। बकाया अब्दुल राफे को मैसेज किया था मदरसे वाले को कि भाई तू आ जा, मैच वैच रख लेंगे। फिर शाम को वही है जो अपनी फ्रेंड के साथ आउटिंग वगैरह होती है, बैठना होता है। कुछ पूछा मैंने कुछ सीन ऐसा, मैच लगाते पहले तो काफी टाइम बाद आफ्टर लॉन्ग टाइम क्रिकेट खेलने। मैं अपनी भी क्रिकेट दिखाऊंगा, पहले जैसी है नहीं, वरना पहले तो देखी थी एंड्रॉइड से आते थे, एंड्रॉइड से जब बनाता था तब आता था क्रिकेट खेलने। बार दोबारा मुर्तजा मुबीन आए बैटिंग के लिए, ये तो छक्का मार के आएंगे। अब देखते हैं भाई की क्रिकेट कैसी होगी। इसके मुबीन भाई बैटिंग पर आ चुके हैं, मुशी भाई ने बॉलिंग कराई, ये निकाला मुबीन भाई ने। अब देखते हैं गनी भाई क्या करते हैं। शॉट मारा उधर गई, दो बॉल दो रन हो चुके हैं। ये फिर शॉट मारा मुबीन भाई ने, वो भी मैंने छक्का मार चुके हैं, वो यारी बॉल ऐसे, ये वाइट हो गई। पांचवी चौथी बॉल, पांचवी ये कराई, पहली बॉल ये कराई, हमारा वाला ये आउट होगा। जो अभी हमारी वीडियो बना रहा था, मतलब हमारा कैमरामैन, अभी वो जा रहा है बैटिंग के ऊपर। काफी भाई व्लॉग बनाएंगे अब। पहले ओवर में 11 है, दूसरे में 6 आया, फिर 14 आया, टोटल 31 हो गए। क्या गुंडा बनेगा रे तू? अगर आएगा मुबीन भाई, आपको कैसा लग रहा आउट हो गया? बहुत मजा आ रहा है, गाड़ी गाड़ा में आउट हो गया, बुरा ही लगता है यार। चुप कर पे कुत्ते। अच्छा, तीन बोलो में 31 था वो, तीन ओवर में अभी सवाल में सिर्फ 2 आया है और विकेट आउट हो गया। मैं कैमरा बंद कर दे भाई, कैमरा बंद कर दे। काफी टाइम बाद खेला यार, लेकिन सही था, अच्छा था। मुंह हाथ धो के अभी मैं आ गया हूँ खेत पे, पहनूं वापस। 5 ओवर में 37 रन हो चुका है, 3 ओवर हो गए थे, चौथे ओवर के अंदर मैं आउट हो गया। और मेरा आउट भी किसने करा? मेरे भाई ने, अबू बकर ने। भाई छठा ओवर चल रहा है अभी, एक बॉल में बकाया, बॉलिंग के अंदर बताएंगे इंशाल्लाह इनको। चुप, बिल्कुल चुप। काफी टाइम बाद था ना इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी कोशिश जारी रहेगी वापस मैच में रनिंग लानी अपने वाले हैं। 6 ओवर में 44 का टारगेट है, हम लोगों ने काफी कम टारगेट दिया। मेरा आउट होने के बाद स्कोर ठप होना शुरू हो गया था। अभी मैं कीपर खड़ा हूँ और ओवर है हम्माद भाई का। फिर इसके बाद अवर तो नहीं जाऊंगा, फिर कीपर से हट जाऊंगा, कीपिंग पर कोई और आ जाएगा। मैं फील्डिंग कैसे आउट हो, शाबाश आउट। चल भाई पहली बॉल पे पहला बंदा गिरा दिया हमने इनका, और 6 ओवर में 44 का टारगेट है। टारगेट है कम का, लेकिन सीन ऐसा है कि चेस इनको करने नहीं देंगे क्योंकि टीम मेरी है। निकल हाँ, पहली बॉल पर ही। One eternity later. 4 ओवर में इन लोगों का 27 हो चुका है, 2 ओवर में तुम लोगों को कितना चाहिए? 2 ओवर में 17 चाहिए इनको। अहमद भाई आने नहीं देना इनके, 2 ओवर में 17 सही है। Okay. भाई यार गुड ओवर, 5-2 शाबाश। ऐसी लड़के आखिरी बोले तेरी, इनको वैसे भी ओवर में 17 चाहिए था, अभी 16 चाहिए, टोटल 7 बोलो पे, तेरे बाद इंशाल्लाह ओवर मेरा ही है। भाई एक ओवर में इनको 12 चाहिए था, मेरा ओवर था, पहली बॉल पे इनकी लास्ट विकेट आउट हो गई, जीत गया। हां भाई टास्क करें दूसरे का। हेलो बेटा, अभी प्रेशर नहीं होता, दूसरे का टास्क करें। चलो तुम्हारे से तो जीत गया बेटा। 3 hours later. तो भाई अयान रास्ते वाले अभी मेरे घर के नीचे खड़े हैं, और मैंने आज इनको काफी लेट करवा दिए क्योंकि अक्सर वो मुझे करवाते हैं। अभी मैं पहले बाबा को मस्जिद से लूंगा, फिर उनके साथ चलूंगा। बाबा बोले पहले मेरे को मस्जिद से ले, तो बगैर क्रिकेट वगैरह खेल कर तो मैं आ गया था ना। दूसरा मैच जो हमने लगाया था उसमें पहली बॉल पर ही आउट हो गया था, अच्छा हुआ था कि मैंने ब्लॉग बनाया ही नहीं था।
क्या गुंडा बनेगा रे तू? बकाया वो लोग मेरे दोनों मेरा इंतजार करती है। अरे भाई आ गए आप, उतने टाइम वेस्ट कराने का। हाँ तो पहली मर्तबा करवाया बेटा मैंने आपको लेट, वरना हर बार तुम दो ही करवाते हो। आज आज ये शरीफ बन रहे मेरे को हर दफ़ा लेट कराते हैं, इनके घर के नीचे खड़े रहो से इनके बाप के नौकर हैं। बाबा को मैं मस्जिद से ले आऊँ फिर निकलते हैं, देखते हैं कहाँ का सीन है। भाई बाबा को मैं ले आया था मस्जिद से, फिर इनके बाद आ गए सिर्फ भाई के भाई। आराम कर नकल दार। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांध धोने के लिए पानी नहीं है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। भाईजान भाईजान तू मेरा पुत्र छुट्टी काट। कैसे हो? खैरियत हो? रेत भाई अरे लोग मैंने दिखाया रेत भाई को। क्या आज बर्गर तो नहीं खाएंगे ना? क्यों? आज तो ना बर्गर बनकर आया हूं ना। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अरे मेरी आउटफिट वही है जो थी क्रिकेट के वक्त ही ना, वो इस वजह से बोला बोला आज बर्गर तो नहीं खाएंगे, बर्गर बच्चे बन कर आए ना, ऐसी बात है जी भाई। मैंने कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? भैया इतनी देर ख्वारी करने के बाद यहाँ पर आके कहीं बैठे हैं, ये नौफिल भाई की वजह से इतनी ख्वारी हुई है। अब जाके भाई कितनी ख्वारी के बाद यहाँ ख्वारी हुई है, अल्लाह खैर करेगा, हम दुआ करेंगे इसके लिए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? मंगाया पहले पिज्ज़ा खाते हैं फिर उसके बाद बताते हैं। भाई पिज़्ज़ा वगैरह खाने के बाद हमने ये आलू पराठे ऑर्डर किए हैं। बकाया फिर यहाँ से कोई मस्ती नहीं करता जब मैं व्लॉग बनाता हूँ, तुम्हारे मुंह ऐसे खामोश क्यों जाते हैं व्लॉग जब बनाता हूँ? तो भाई लोग कैसे हो आप लोग? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? क्या चाय वगैरह आ गई है? नौफिल भाई टेस्ट करके बताओ कैसा है यहाँ का। कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? एक भाई शुरू करो, ये वाला पराठा कराना। अपने मदरसा वाला दोस्तों का अलविदा कर दिया था, फिर उसके बाद में चला गया था शादी में, क्योंकि बाबा वहीं पर ही करीब थे और बाबा ने मेरे को बोला कि आ जाऊँ यहीं पर ही, फिर साथ चलेंगे घर पर। तो फिर मैं डायरेक्ट बाबा के पास चला गया हॉल में और क्लिप में ये बाद में बना रहा हूँ। तो शादी में पूछते ही मुझे ये मेरे भाई दोनों मुफ्ता मिले, जो मुफ्ता फोड़ रहे थे। फिर मैंने सैलेड ट्राई किया, उसके बाद ये बीफ की बोटी और फिश, फिर ये मैंने जल्दी से निमटाने की कोशिश करी और सब खा ली। मैं खाना खाकर आया तो ये दोनों मुफ्ता तोड़ रहे थे, तो मैं इनको देख रहा था, बस मैंने बोटी वगैरह खाई उसके बाद मैं डन हो गया। लेकिन जैसे ही मना लो फूड खा लो तो सेवन अप, जैसे ही सेवन अप आई उसके बाद मैंने खुद को कंट्रोल नहीं किया, फिर पूरी बोतल खींच गया। इसे कहते हैं नसीब अपना अपना। बाबा ने बोला बाइक की चाबी मुझे दे दो क्योंकि मुझे काम है, बकाया आप दीदार भाई के साथ गाड़ी में बैठ के चले जाओ। तो फिर बाबा ने मेरे को दीदार भाई के साथ भेज दिया। ये हमारे दीदार भाई हैं जो गाड़ी चला रहे हैं, ये इनकी गाड़ी है जो करोला जीएलआई में सगुन साहब का भाई बैठ कर आया गया बाइक पर था। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। व्लॉग की एंडिंग में भूल गया था, आज दो तीन दिन बाद कर रहा हूँ, अब व्लॉग एडिट होगा फिर अपलोड होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।